एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त बंटी कबूतर और तोताराम साथ में एक पेड़ के घोंसले पर रहते थे। सारे पक्षी एक पेड़ के पास शाम को मिलते हैं। अरे भैया, बहुत गर्मी लग रही है, यदि कुछ ठंडा मिल जाए तो मजा आ जाए। वैसे भी कुछ दिन पहले बारिश हुई है, लेकिन ये तो अचानक धूप हो गई है। ये धूप तो हमारी जान सुखाने पर तुली हुई है। हाँ तोता भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। वैसे तोता भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लू लग जाएगी। अरे ओ बुद्धू, बारिश वाली धूप में लू नहीं लगती है, बस बहुत तेज गर्मी लगती है। गर्मी तो लग रही है, लेकिन मौसम भी तो बदल रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ के पीछे से एक बदमाश कालू कौवा सबकी बातें सुन रहा होता है। मेरे दादा के दादा के दादा बहुत अच्छे व्यापारी थे। अब समय आ गया है कि मैं भी जंगल में एक सबसे सफल व्यापारी बनकर अपने दादा के दादा के दादा का नाम रोशन करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल के पक्षियों को बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे आइसक्रीम की दुकान खोल लेनी चाहिए। इससे पक्षियों को गर्मी लगना बंद हो जाएगी और मेरा धंधा भी चमक जाएगा। कालू कौवा शहरी जंगल चला जाता है और वहाँ अपनी मौसी सुंदरी कौवी से मिलता है। मौसी मौसी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जंगल के पक्षियों को आइसक्रीम बेचूंगा और उसका आधा मुनाफा मैं आपको भी दूंगा। मुझे शहरी जंगल से आइसक्रीम खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल कालू, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दादा के दादा के दादा का नाम रोशन करो, यह लो पैसे, और जंगल में जाकर खूब सारा व्यापार करो। इतनी आइसक्रीम बेचो कि पक्षी खा खा कर बीमार पड़ जाएं। फिर मैं तुम्हारे जंगल आकर वहाँ दवाई की दुकान खोल लूंगी। अगले दिन कालू कौवा सुंदरवन में आइसक्रीम की दुकान खोल लेता है। चिलचिलाती धूप में गर्मी को भगाओ, आओ मेरे पास और आइसक्रीम खाओ। एक आइसक्रीम खाओ, दूसरी भी खाओ और बीमार पड़ जाओ। कुछ ही देर बाद वहाँ जंगल के पक्षियों की भीड़ लग जाती है और सब कालू की आइसक्रीम खरीदकर खाने लगते हैं। मुझे तो पता था कि मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी सफलता मिलेगी मुझे ये नहीं पता था। कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान पर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर तोता आकर रुकते हैं। अरे वाह कालू भैया, आपने तो हमारे मन की बात सुन ली। इतनी गर्मी में आइसक्रीम की दुकान खोलकर आपने जंगल के पक्षियों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी भी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मौसम बदल रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं आइसक्रीम खाकर मेरी तबीयत खराब न हो जाए। अरे रहने दो टुनटुनी, तुम तो हमें बस डराने का काम कर रही हो। कालू भैया, जरा मुझे और तोते को एक एक डब्बा आइसक्रीम देना। तोता राम और बंटी कबूतर एक एक डब्बा आइसक्रीम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन जंगल के बहुत सारे पक्षी आइसक्रीम खाकर सर्दी जुकाम और बुखार से परेशान हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बीमार बंटी कबूतर और तोता से मिलने जाती है। मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, देखो तुम दोनों ने आइसक्रीम खाकर अपनी तबीयत खराब कर ली है। अरे तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, यह आइसक्रीम तो अब हमारे नाक से निकल रही है। मैं जंगल के वैद्य को जानती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ और जल्दी से इसका इलाज ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जंगल के वैद्य लक्का चील के पास जाती है। चील जी, जंगल के सारे पक्षी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए हैं, इसका आपके पास कोई उपाय है क्या? मेरा नाम है लक्का, मेरा इलाज है पक्का। चिंता मत करो बेटी, तुम करो हल्दी की खेती। हल्दी का काढ़ा सबको पिलाओ और सर्दी जुकाम को दूर भगाओ। टुनटुनी चिड़िया हल्दी की खेती करती है और ढेर सारी हल्दी अपने घोंसले ले जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस हल्दी से ढेर सारा काढ़ा बनाती है और जंगल के सभी बीमार पक्षियों को पिलाती है। अंत में पक्षी टुनटुनी चिड़िया का काढ़ा पीकर स्वस्थ हो जाते हैं। अरे कोई आइसक्रीम खरीदने नहीं आ रहा है, लगता है आइसक्रीम अब मुझे ही खानी पड़ेगी।
एक हरे भरे जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह चारों ओर से उड़ान भरना और गाना गाना पसंद करती थी, लेकिन वह जंगल में कुछ अन्य पक्षियों की तरह अमीर नहीं थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत भूख लग जाती है। मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर मुझे आज कुछ खाने नहीं मिला तो मैं आज मर ही जाऊंगी। अचानक वहाँ जंगल का जमींदार कालू कौवा आ जाता है। लगता है यह गरीब चिड़िया बहुत भूखी है, यह लो 50 रुपए ले लो, इससे जी भर खा लेना। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कालू सेठ जी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा अपने दिए हुए पैसे लौटाने के लिए तंग करना शुरू कर देता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, कल जो मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे उसे लौटा दो, वरना रोज तुम्हें 10-10 रुपए जोड़कर ऊपर से देने पड़ेंगे। सेठ जी, मैं बहुत जल्द आपका सारा पैसा लौटा दूंगी, आप थोड़ा धीरज रखिए। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बहाना बनाकर किसी प्रकार चली जाती है। एक दिन चारों ओर उड़ते हुए टुनटुनी ने एक अजीब पेड़ देखा जो एक जादुई चमक के साथ चमक रहा था। वह पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है और उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है यह एक सामान्य पेड़ नहीं है, यह एक बिजली देने वाला जादुई पेड़ है। टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ से पूछा, पेड़ जी आप इतने जादुई क्यों हो? मैं आकाश से धरती पर आया हूँ, मैं जंगल के सभी जीवित प्राणियों को बिजली देने का काम करता हूँ, लेकिन केवल कुछ ही मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरे कर्ज में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ प्यारी चिड़िया, लेकिन आपको मेरी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा करना होगा। मैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपकी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? यदि तुम कुछ अनोखा और जंगल के पक्षियों के काम आने लायक बनाने के लिए मेरी बिजली का उपयोग करो तो तुम्हें कालू कौवे के कर चुकाने में वो मदद कर सकेगा। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ध्यान से सुनो प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति दूंगा, तुम इससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बनाने के लिए उपयोग कर सकती हो, लेकिन याद रखो इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसका गलत उपयोग ना होने पाए। मैं आपकी मदद के लिए आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? बस मुझसे यह वादा करो कि हमेशा इस दी हुई शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए करोगी और मेरे बारे में जंगल के किसी पक्षी को नहीं बताओगी। टुनटुनी ने वादा किया और उड़कर वहाँ से चली गई। टुनटुनी चिड़िया ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जादुई पेड़ की बिजली देने वाली शक्ति का उपयोग किया, जिसे उसने जंगल में अन्य पक्षियों को बेच दिया। इंस्ट्रूमेंट जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आए और टुनटुनी ने बहुत सारा पैसा कमाया जो कालू कौवे का कर्ज चुकाने के लिए बहुत जरूरी था। कर्ज चुकाने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ से मिलने जा रही थी तो उसके पीछे कालू कौवा चुपके चुपके आ जाता है। धन्यवाद पेड़ जी, आपकी मदद से ही आज मैं कालू कौवे का कर्ज चुका पाई और आगे का जीवन भी मैं खुशी खुशी बिता सकती हूँ। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अच्छा तो यह है तुम्हारी सफलता का राज। मैं अभी अपने साथियों को बुलाकर इस पेड़ को कटवा लेता हूँ और अपने घोंसले ले जाता हूँ, इसको बेच कर तो मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से उड़ने वाला होता है, वैसे ही जादुई पेड़ उसे जोर से बिजली का करंट लगाता है और कालू कौवा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? और अंत में भुलक्कड़ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है
और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया जो चमत्कारपुर नाम के जंगल में रहती थी, उसके आरामदायक घोंसले के पास एक जादुई पेड़ था जिसे चूड़ी का पेड़ कहा जाता था, जिसके पास विशेष शक्तियाँ थी और वह जंगल को सुरक्षित रखता था। जंगल में जिस भी पक्षी को कोई समस्या होती, वे सभी टुनटुनी चिड़िया के पास आते। अरे टुनटुनी बहन, आज मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे दवाइयों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर, सुनो सुनो चूड़ी के पेड़, लगा दो अब खुशियों का ढेर, दे दो हमें दवाइयाँ, चला जाए मुसीबत का फेर। ये दवाइयाँ और इससे अपनी माँ का इलाज कर लेना तोता जी। तोता वहाँ से दवाई लेकर चला जाता है। एक दिन कालू नाम का एक बदमाश वहाँ जंगल में आता है। उसने जंगल के पक्षियों को जादुई चूड़ी के पेड़ के बारे में बात करते सुना था। हम पक्षी बहुत किस्मत वाले हैं जो इस जंगल में टुनटुनी के साथ रहते हैं। टुनटुनी एक जादुई गाना गाती है जिससे वह पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, ऐसी बात है, तो मुझे वह पेड़ चाहिए, उसकी शक्तियों से मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा सारे पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें भड़काना शुरू कर देता है। क्या आप लोगों को पता है, जंगल के सारे पक्षी समान रूप से बराबर पोजीशन के हकदार हैं? तो फिर उस जादुई चूड़ी के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का ये अधिकार क्यों है? पक्षियों जरा सोचो ये सब। तुम ठीक कह रहे हो कालू भाई, उस पेड़ पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सारे पक्षी कालू कौवे की बात में आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को जंगल से भगा देते हैं। जंगल के सारे पक्षियों को क्या हो गया है? उन्होंने मुझे जंगल से बाहर क्यों निकाल दिया? अब मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगी? जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे के साथ जादुई चूड़ी के पेड़ से मदद मांगने जाते हैं। अरे ओ पेड़ जी, आज हम सबको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, हमें ढेर सारा रसगुल्ला दे दो। तुम्हारे मन में बहुत सारा कपट और लालच भर गया है, और कपटी और लालची पक्षियों की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। अरे पेड़ जी, आप नाराज क्यों होते हो? मेरे अंदर यदि कपट भरा है, आपको इतना ही कपट दिख रहा है, तो आप बाकी पक्षियों की इच्छा भी तो पूरी कर सकते हो ना। जंगल के बाकी पक्षियों ने पेड़ से अपनी इच्छाएं मांगी, लेकिन किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम लोगों की इच्छाएं इसलिए पूरी अब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि तुमने एक शुद्ध हृदय और साफ सुथरी मन वाली चिड़िया को जंगल से भगाकर जंगल पर दुर्भाग्य के बादल ला दिए हैं। इसीलिए तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अरे भैया, इस लालची कौवे ने अपने कपट के जाल में फंसाकर हमारी प्यारी टुनटुनी को इस जंगल से भगा दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसको जंगल से भगा दें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे पक्षी कालू कौवे की पिटाई करके उसे जंगल से भगा देते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को जंगल में वापस बुला लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने मधुर संगीत से सारे पक्षियों की इच्छा पूरी करती है और सबकी मदद करती है। मणिपुर के घने जंगल में बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाती थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे और शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। ओहो, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ लूसी,
तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली हमारे पास आ गई तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। देखो कुक्कू, क्या जमाना आ गया है। सच्चाई तो मुझे पता है, जब से सुंदरी गौवी ने नया फेस क्रीम खरीदा है और चेहरे पर लगाया है तब से वह नहाई नहीं है। मैं आप लोगों के घर में साफ सफाई करती हूँ, आप लोगों को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तोता, मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन चला रही हूँ, पर ये सब देख कर मेरे पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते, वे दूर से ही भाग जाते हैं। अरे हमने सुना है कि नजदीकी जंगल में आजकल बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगाए हैं, यदि तुम पड़ोस के जंगल से नारियल लाकर बेचना शुरू करो तो तुम्हें झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया तोते की मदद से ढेर सारे नारियल तोड़कर लाती है और नारियल का ठेला लगाकर नारियल बेचना शुरू कर देती है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा छाते की दुकान लगा लेता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। यो बदमाश कालू कौवा, सड़े हुए कपड़ों से छाते बनाकर जंगली पक्षियों को ठगने वाला है। जंगल के पक्षियों को इससे सावधान रहना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी मूसलाधार बारिश से परेशान होकर कालू कौवे के पास छाता खरीदने आते हैं। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में सभी को छाता बेचता है। क्या क्या कह रहे हो तुम, यह छाता 5,000 का है। हाँ, यह छाता बड़े ही स्पेशल कपड़े से बना है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू भैया, आप तो इस बारिश में हमें लूट रहे हो। पता नहीं जंगल के अमीर पक्षियों की अकल कहाँ चले जाती है, उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि छाता डुप्लीकेट है। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसकी मुँह मांगी दाम पर छाता खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह छाता असल में सड़े हुए कपड़ों से बना है। वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह छाता बड़ा ही स्पेशल है, लेकिन पहले बारिश में छाते में कई छेद हो गए हैं। मुझे तो बारिश में भीगने के कारण जुखाम भी हो गया है, उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। उधर टुनटुनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। इस भारी बारिश से बचने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया नारियल के सबसे बड़े फल में छेद करके उसमें छुप जाती है। इस नारियल के घर ने तो हमें बारिश से बचा ही लिया। हाँ माँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक मजेदार आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने नारियल के घर में बुलाती है। टुनटुनी चिड़िया के नारियल के घर में बारिश से बच जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये नारियल का घर तो बहुत ही मजेदार है और ये हमें बारिश के मौसम से बचा भी रहा है। ये तो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अंत में ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल का घर खरीदते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहती है। बहुत समय बीत गया है, अभी तक कोई छतरी खरीदने नहीं आया।